अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 संदीप आनंद ने करीब 4 साल पहले दीपावली की रात पत्नी की जलाकर हत्या करने के बाद उसके अंगों को काटकर शहर के अलग अलग जगह फेंककर सनसनी फैलाने वाले बहुचर्चित मामले के आरोपी पति योगेश मल्होत्रा उर्फ चूचू को आजीवन कारावास व 30,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। बुधवार को एडीजे ने 77 पेज का फैसला सुनाया। इस मामले में चश्मदीद गवाह मृतक की 4 साल की बेटी थी। अपर लोक अभियोजक विजय सोगात ने बताया कि प्रकरण में तत्कालीन कोतवाली थाना अधिकारी राम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31 अक्टूबर 2016 को दीपावली के मौके पर गश्त के दौरान रात करीब 12:15 बजे सूचना मिली कि स्कीम 1 के कबूतर पार्क के पास मानव अंग पड़े हैं। मौके पर झुलसी हालत में एक महिला का पैर मिला था, जिसके पैर की उंगली में बिच्छिया थी। इसके बाद अलग अलग दिन मृतक महिला के विभिन्न अंग मोहल्ला चावड़पाड़ी, रंग भरियों की गली, राम मार्केट, बांसवाली गली व कंपनी बाग रोड पर मिले। पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर संदिग्ध आरोपी की तलाश शुरू की। सूचनाओं के आधार पर 4 नवंबर को संदिग्ध आरोपी योगेश उर्फ चूचू पुत्र दुर्गा प्रसाद मल्होत्रा निवासी सक्कापाड़ी को हरियाणा से हिरासत में लाकर पूछताछ की गई। आरोपी योगेश और चूचू ने पत्नी आरती की जलाकर हत्या करने के बाद सबूत नष्ट करने के लिए उसके चाकू से कई टुकड़े कर विभिन्न इलाकों में फेंकने की वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने आरोपी के मकान से चाकू, आरी, केरोसिन की जरिकैन व मृतका की चप्पलें और आरोपी की खून से सनी कैबरी, फ्रिज जिसमें शव के टुकड़े रखे गए व अंगों को फेंकने में काम में ली गई लूना मोपेट बरामद की। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी तत्कालीन कोतवाल राम सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया कि योगेश और चूचू ने घटना से करीब 5 साल पहले पटना बिहार की रहने वाली आरती से शादी की थी। उनके एक लड़की पैदा हुई। आरती लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी, जबकि आरोपी योगेश हलवाई और रंग पेंट का काम करता था। योगेश अपनी पत्नी आरती के चरित्र पर शक करने लगा था। इसमें दोनों के बीच झगड़ा भी होता रहता था। इसी कारण योगेश और चूचू ने पत्नी से पीछे छुड़ाने की योजना बनाई और 30 अक्टूबर को दीपावली की रात पत्नी की केरोसिन छिड़क कर आग लगाकर हत्या कर दी और सबूत नष्ट करने के लिए उसने पत्नी के शव के अंगों को काटकर शहर के अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया था। चूचू के नाम से चल रहे सेशन प्रकरण में न्यायालय श्रीमान ने दोषी करार देते हुए योगेश चूचू को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना और साक्ष्य छुपाने के अपराध के तहत धारा 201 के तहत 3 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। यह प्रकरण थाना कोतवाली थाना क्षेत्र का है। करीब 31/10/2016 की बात है। थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि चावड़पाड़ी मोहल्ले में कोई हाथ कटा हुआ पड़ा है, जिस पर थाना पुलिस मौके पर गई, हाथ को कब्जा पुलिस लिया, वहाँ फर्द तैयार की। उसके बाद सूचना आई कि साहब कोई पैर स्कीम नंबर 1 में पड़ा हुआ है और वहीं थोड़ी देर बाद कबूतर पार्क के पास एक दूसरा पैर पड़ा होने की सूचना मिली। तीनों अंगों को मोर्चरी में रखवा कर सर और धड़ की तलाश की पुलिस द्वारा और करीब 95 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए और 23 आर्टिकल प्रदर्शित हुए। मामला साक्ष्य साबित पाए जाने पर न्यायालय श्रीमान द्वारा मुलजिम को उक्त दंड से दंडित किया है।